सभी बच्चों को ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों हम वीडियो मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवंथ पार्ट है। ठीक है बच्चों, देखो ये भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेंथी सा है, बट लेंथी इतना क्वेश्चन नहीं है। आप इसे 1/x को u पुट कर लें, 1/x + y को u पुट कर लें एंड 1/x - y को v पुट कर लें। देखिए आपके सामने जब मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत इजीनेस से हो पाएगा, प्लीज। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर सबसे पहले देखो ध्यान से, 10 into 1/x + y प्लस 2 into 1/x - y इसका सूत्र। ये देखो ये पूरी वैल्यू क्या है बेटा, हमने क्या लेट करी u लेट। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू हमने क्या लेट करी v। तो देखो हम 10 into u लिख सकते हैं, साफ साफ देखा आपको, और 2 into v लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 10 u प्लस 2 v इक्वल्स टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सेम अगले स्टेप में करेंगे हम x प्लस y माइनस का 5 into 1 माइनस x माइनस y माइनस का 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 u और ये कितना आ जाएगा 5 v माइनस का 2 इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई समस्या होगी दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है चलें, अब देखो बच्चों यहां पर 10 u 2 v 4 है, यहां पर 15 u माइनस 5 v माइनस 2। एक काम करते हैं बच्चों, देखो बड़ी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इससे अच्छा हम इसको मल्टीप्लाई बराबर कर देते हैं। हम यहां पे लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई देखिए इक्वेशन वन में तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड, और मल्टीप्लाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑन इक्वेशन 2। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 10 u प्लस का 2 v इक्वल्स टू 4 इंटू 5। ठीक है बच्चों, 4 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा आपका 50 u प्लस का 10 v इक्वल्स टू 20। यह आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो बेटा अब यहां पर क्या करेंगे, 15 u माइनस का 5 v इंटू में 2 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 30 u माइनस का 10 v इक्वल्स टू माइनस का 4। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटा? ये इक्वेशन हमारी 4 हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा अब हमारी क्या है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हमारे कोफिशिएंट b के बराबर हो चुके हैं, बट साइन क्या है अपोजिट, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो देखो जरा क्या आएगा, 50 u प्लस 10 v इक्वल्स टू 20 और यहां पे 30 u माइनस 10 v इक्वल्स टू माइनस 4। जब यहां पर ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 80 u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों 60। तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 16 अपॉन में 80 1/5। तो u की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1/5। यहां तक कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई समस्या हो? अब लिखेंगे हम यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ u इन, ये इन है बच्चों, ठीक है इन इक्वेशन, ये इन है। ठीक है, इन इक्वेशन किस में पुट करते हैं, काम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 10 u प्लस का 2 v इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमारी u की वैल्यू कितनी है बेटा 1/5, तो यहां पे रख देते हैं 1/5 प्लस 2 v इक्वल्स टू 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 v इक्वल्स टू 4, तो 2 v इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 2। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 1। v की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास और u की वैल्यू 1/5। अब यहां पे देखो बेटा 1/x प्लस y, x प्लस y है उसको मैंने क्या माना था, u माना, तो u की वैल्यू क्या है बेटा 1/5, u की वैल्यू क्या है बच्चों 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इक्वल टू x प्लस y। अब यहां पर अभी हमारे पास 4 इक्वेशन बन चुकी थी, अब इसको मान लेंगे 5th इक्वेशन। ठीक है चलिए नेक्स्ट, 1/x माइनस y को हमने क्या पुट किया था, v, और v की वैल्यू क्या है 1, v पुट किया था ना, देखो यहां पर v पुट किया था, v की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा x माइनस y इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन 6 हो गया। अब देखो यहां पर कुछ भी कर सकते हैं आप, देखो y के कोएफिशिएंट के बराबर x के कोएफिशिएंट के बराबर है, आप इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो सबट्रैक्ट करेंगे तो x कटेगा और ऐड करेंगे तो y हमारा रिमूव हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं ऐड 5 प्लस 6। ठीक है बेटा, तो जब हम ऐड 5 प्लस 6 करते हैं x प्लस y इसका जो कितना आ गया हमारा 5 और x माइनस y इसका 2 1। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो इधर
ठीक है क्वेश्चन लिखिए मैंने जब ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा कैंसिल 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 6 x के लिए कितना जाएगा बच्चों 3 ठीक है अब इसको इक्वेशन किसमें पुट कर देते हैं फिफ्थ में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ किसमें पुट करेंगे बेटा फिफ्थ में पुट करेंगे किसमें पुट करेंगे फिफ्थ में पुट करेंगे ठीक है तो यहां पर पुट कर देते हैं 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 देखो 2 plus y is equal to 5. ठीक है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 minus 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी तो x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3 x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3 दोनों 3 3 आ रही है यहां पर ठीक है x की वैल्यू भी 3 आ रही है हमारी और y की वैल्यू भी 3 आ रही है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 आनी चाहिए x की वैल्यू 3 सॉरी हमें 3 पुट करना है यहां पर सॉरी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू ठीक है सर ना गए बच्चों मैंने वहां पर 2 रख दिया ठीक है तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो ठीक है मेरी वीडियो में सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें बच्चों ठीक है सभी बच्चों को मेरा नाम है